नमस्कार, किस्मत की बात संदीप कोचर के साथ में आपका स्वागत है। रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर कि वो भी भाग रहे हैं जिन्हें कहीं जाना नहीं। तो बताइए ये हो गया, यानी वी हैव नो क्लू वेयर वी आर गोइंग एंड दैट इज नॉट ए ग्रेट आइडिया। और जबकि मैंने कई बार कहा है ये कि डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट देन स्पीड, यानी आप किस गली जा रहे हैं कम से कम आपको खबर तो होनी चाहिए। लेकिन हर इंसान बेखबर है और दौड़ा चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है, ना जाने कहां चला जा रहा है। तो ऐसे में ज्योतिष ही एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा दोस्त है जो आपको बता सकता है कि ठहर जा भाई, जहां आप जा रहे हैं वो आपके लिए बना ही नहीं। दिस इज अ रॉन्ग ट्रिप यू आर गोइंग इन, या लेफ्ट ले लीजिए या राइट ले लीजिए, या दिस इज द टाइम टू टेक ए यू टर्न। यानी जिंदगी की कहानी जो मेरे हिसाब से पहले ही लिखी जा चुकी है, उसकी स्क्रिप्ट खाली एक ज्योतिषी ही आपको बता सकता है। या फिर जब आप रिटायर हो जाएंगे तब आप सोचेंगे, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने उसकी बात मान ली होती, काश। तो काश जो है वो तब तक बहुत लेट हो जाता है, यानी टू लेट टू रियलाइज। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि एक काबिल ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए और ये जानने की कोशिश करिए पहली कि आपके अंदर क्या कमजोरियां हैं, क्योंकि आई एम ऑलवेज राइट। डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता और इसीलिए डॉन फंस जाता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग ऑन दिस प्लैनेट। तो आप भी राइट है, मैं भी राइट हूं, तो राइट है कौन? तो ऐसे में अगर ज्योतिषी आपको रियलाइज करा दे कि बॉस दिस इज नॉट द राइट थिंग, आपका तरीका गलत है, आप रिएक्ट कर जाते हैं, आप छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते हैं, आप क्रिटिसाइज कर देते हैं, आप इतने एग्रेसिव हैं, तो अगर आपको वो बता दे और आपको पता है कि ये स्ट्रेंजर है, ये तो मुझे जानता तक नहीं, तो आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो ज्योतिष हमारी एक ऐसी साइंस बनाई है, मैं तो ये कहूँगा कि इस धरती की सबसे डिवाइन, सबसे प्योर और सबसे इफेक्टिव साइंस है, जो आपको बता सकती है कि वॉट इज़ गुड एंड बैड। तो पहले अपनी कमजोरियों को जानिए, फिर अपनी अच्छाइयों को, स्ट्रेंथ को जानिए कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, कौन सा ऐसा एरिया है जिस पर मुझे काम करना चाहिए। क्योंकि आप खाली ये कर रहे थे और आपको ये नहीं पता था कि आपकी जो सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है वो कंसल्टेंसी के थ्रू है, और आप कर रहे थे मार्केटिंग, तो आप एक रॉन्ग लाइन में दौड़े चले जा रहे थे, रास्ता ये था। तो जब ये आप अपनी अच्छाइयों को जान जाएंगे, स्ट्रेंथ को जान जाएंगे, तो वो आपको पता चला। फिर आपको पता चलना चाहिए अपना पोटेंशियल, कि मेरे अंदर और पोटेंशियल क्या है, तो वो आपको बताएगा कि अगर आप खुद का इंस्टीट्यूट खोल लेते तो उसकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में खुल गई होती आज तक। तो ये आपका पोटेंशियल है, यानी ये भी आपको नहीं पता था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो और कोई भी साइंस आपको नहीं बता सकती, ये इकलौती ऐसी विद्या है, इकलौती ऐसी साइंस है जो आपको बता सकती है कि आपका वक्त कौन सा चल रहा है, कब बदलेगा वो वक्त, फ्यूचर के बारे में, कल क्या हो किसको खबर, किसी को नहीं, खाली ज्योतिषी को। तो वो अगर आपको बता दे और आप अपनी जिंदगी में वो मॉडिफिकेशन करें, अपने आप को बदलें, उस वक्त के हिसाब से अपना डिसीजन लें, तो यकीन मानिए कि जहां भी आप जा रहे हैं, जिस भी रफ्तार से आप जा रहे हैं, वो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा जरूर। तो रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर। तो इसी रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमारी जो 12 राशियां हैं वो किस रफ्तार से किस तरफ जा रही हैं, उन्हें क्या करने की जरूरत है। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ, यानी एरीज। एरीज की शुरुआत, दिल समझ जा जरा, मोहब्बत करने चला है तू। ये बात मैं तब कहता हूं जब इंसान का मन बहुत कमजोर किस्म का होता है, तो इस समय वही सिचुएशन आपके साथ बनी हुई। ऑलरेडी चौथे घर में राहु का आगमन हो चुका है, जो आपको क्या करा रहा है, इनसिक्योर बना रहा है, और उसी के साथ चांद आ गया है। चौथे घर में चांद वैसे भी इंसान को थोड़ा सा नेगेटिव बना देता है, तो डर, फोबिया, इल्यूजन, वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसा कर देगा तो, वैसा हो जाएगा तो, उस दुविधा में आप अपने दिन को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। दूसरी बात मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूं कि ये वक्त है जिसमें बहुत अच्छी चीजें भी आपकी जिंदगी में होंगी, यानी ये सोच को अगर आप अपना मॉडिफाई कर लें, यानी सोच बदलो, कहते हैं ना कि नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, तो अपनी सोच को बदल डालिए, तो इट इनसिक्योरिटी के बावजूद यू विल फाइंड समथिंग विच इज गुड फॉर यू। तो जस्ट फॉलो माई एडवाइस एंड बिलीव मी, जो दिन आपको लग रहा था कि अच्छा नहीं जाएगा, वो ही दिन आपका बेहतर हो जाएगा, खाली आपके अप्रोच के बदलने की वजह से। नेक्स्ट साइन इज टॉरस, यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आज का दिन ट्रैवलिंग का है,
जर्नी आपके काम आएगी, छोटा सा शॉर्ट ट्रिप हो सकता है विच इज गुड फॉर यू। अपने स्पाउस को साथ ले जाएं, अपनी वाइफ को, धर्म पत्नी को या अपने पतिदेव को, तो आई थिंक दैट इज अगेन ए गुड आइडिया। हाथों में हाथ वो वाली बात, क्योंकि ऐसे मौके अब कहाँ मिलते हैं। इंसान अपने खुद के इतने ग्राइंड में फंसा हुआ है कि वो ग्राइंडिंग होती चली जा रही है उसकी, तो दैट इज नॉट ए ग्रेट थिंग। तो आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि रिश्ते बढ़ेंगे भी और बिगड़ेंगे भी, यहाँ पे आपको ख्याल रखना चाहिए। नए लोगों से मुलाकात, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पुराने लोगों को भूल जाएं। और वैसे भी इंग्लिश में कहावत है, डोंट बर्न योर ब्रिजेस, बहुत ज़रूरी है। मुझे याद आया कि मैंने लिखा था कि रास्ते में मिले दरख्त भी तुम काटा ना करो, क्योंकि गुजरोगे जब इधर से तो फिर मुलाकात होगी। तो ये आप याद कर लीजिए। तो जस्ट वर्क ऑन दैट, रिस्क, एवरीथिंग इज गुड फॉर यू। मिथुन राशि यानी जेमिनी, जेमिनी के लिए आज का दिन फाइनेंशियली हो सकता है कि आपको कुछ स्ट्रेस हो, यार क्या करूं, यू नो उसका कमिटमेंट है, वो पैसे मांगने आ जाएगा, या मेरा चेक लगने वाला है, मैं क्या करूं। तो थोड़ा सा तसल्ली रखिए, थोड़ा सा हौसला रखिए, एक दो दिन का वक्त मांग लीजिए अगर आप मांग सकते हैं तो, क्योंकि अभी दो दिन के लिए चांद वहीं रहने वाला है, तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड आइडिया। तीसरी बात है, क्रिटिसाइज मत कीजिए और रिवर्ट मत करिए। कई बार क्या होता है, गलत रिएक्शन की वजह से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो रूलर बुध है वो वक्री चल रहा है, तो ऐसे में मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों ये हिस्सा बन चुकी है, तो उस पर आपको काम करना चाहिए। बाकी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेट करिए, रिलैक्स करिए, गहरी सांस लीजिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, टेंशन मत लीजिए। कर्क राशि यानी कैंसर, यानी टेंशन से याद आया कर्क राशि के बारे में, और कर्क राशि को पता है कि मैं क्या कहने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता रहूंगा कि ये जिंदगी डिफिकल्ट नहीं है, किस्मत खराब नहीं है, खाली ये फेज है जो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो ये बात अगर आपको पता है तो आप क्या करेंगे, वो चीज़ों को इग्नोर कर देंगे जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है। दूसरी यू नो, और भी गम है जमाने में गम के सिवा, ये मैंने मॉडिफाई कर दिया उसको, और वो ये है कि गम ये है कि प्यार मोहब्बत आपका अवार्ड रिवॉर्ड, हो सकता है किसी चीज़ से अचानक आपको गेंस इस तरह से मिल जाए तो आपकी खुशी का कारण बन जाए। इसका मतलब देर आर ऑल मैनी मोर एस्पेक्ट्स विच विल गिव यू हैप्पीनेस, तो थिंक टूवर्ड्स इट, पॉजिटिव रहें। मेडिटेट करने के लिए मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूँगा आने वाले 1.5 साल तक, जब तक राहु आपका पीछा नहीं छोड़ेगा तब तक आप मेडिटेशन का पीछा मत छोड़िए। यकीन मानिए, यू विल फील गुड, यू विल फील हैप्पी एंड यू विल बी डन। यह बारी है सिंह राशि की यानी लियो। लियोज आर रियली वेरी ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल क्यों है, क्योंकि दे आर ऑलवेज लीडर्स, और राजा है सिंह राशि वैसे भी, और यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि राजा को तो निकलना चाहिए मैदान में, लेकिन राजा घर पर बैठा हुआ है। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि सूर्य का ट्रांजिशन आपके चौथे घर में आ गया है, द हाउस ऑफ योर ओन हाउस, तो ऐसे में थोड़ा सा इंसान रिलैक्स करने लगता है कि अभी मैं ये नहीं करूँगा या अभी ब्रेक ले लेता हूँ, तो दैट इज़ ऑल राइट। बट यही सूर्य का आगमन चौथे घर में आपके घर में बदलाव ला सकता है, डिस्प्लेसमेंट करा सकता है, तो परिवर्तन का वक्त चल रहा है। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ, दिस इज अ टाइम टू टेक इनिशिएटिव, यानी कोशिश करनी चाहिए और एफर्ट करने से ही आपको सक्सेस मिलने वाला है। इसमें कोई नई लाइन मैंने नहीं बोली, लेकिन आपके लिए ज़रूर एप्लीकेबल है, क्योंकि वही नए रास्ते आपके लिए खोल सकती है। क्योंकि आपको लग रहा था जो हो रहा है वही होगा और वही होना है, और मैं कह रहा हूँ कुछ नया हो सकता है अगर आप अपनी सोच में बदलाव लाएं तो और कोशिश करें तो। ये एडवाइस मेरी आप ज़रूर मानिए। तीसरी बात मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अथॉरिटी यानी यहाँ से आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए कि जो आपके बॉसेस हैं या जो आपके सीनियर्स हैं उनकी बातों पे आप रिएक्ट ना करें, क्योंकि आपको वैसे भी ऑर्डर्स पसंद नहीं है। कोई आपको डोमिनेट करता है तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि भाई यू नो मुझसे ऐसी बात मत करिए। तो कभी कभी ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है, मैं कहता हूँ एक्सेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन लाइफ। यानी इंसान अगर माहौल के हिसाब से, मौके के हिसाब से, उसकी नज़ाकत को समझते हुए अपने अंदर वो परिवर्तन लाता है तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, नहीं तो फिर वो टकराहट या वो जो उसकी जो रंजिश है वो बढ़ जाती है और वो फिर रिफ्ट पैदा करती है और इंसान का उसी सिचुएशन में जीना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ फॉलो माई एडवाइस। अब बारी है कन्या राशि की यानी वर्गो। वर्गो के लिए दो इंटरप्रिटेशन, पहला ये लाभ होगा, जी होगा, दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि हो सकता है कि आप डाउट के जोन में गिर जाएं। यानी कोई चीज़ आपको नेचुरल तरीके से मिल रही है और उसमें भी आपने
शुभा और क्या कहते हैं उसको, यू नो, डाउट क्रिएट कर लिया आपने अंदर, शंका पैदा हो गई, ये वर्ड याद आ गया मुझे हिंदी में, तो शंका की वजह से आप फंस सकते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यू शुड हैव ट्रस्ट, हर एक पे भरोसा नहीं करिए, लेकिन कुछ लोग तो रखिए जिस पे भरोसा किया जा सकता है, तो ये बात याद रखिए। दूसरी बात है कि मैं आपको बार बार यही कहता जा रहा हूँ कि आपका मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, जो आपका रूलर है, तो कहने से पहले सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने किया अभी, तो यही आपको भी करना है। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको गेंस मिल सकते हैं थ्रू रियल स्टेट, तो रियल स्टेट से फायदा जरूर होगा। वैसे भी शनि का आगमन आपके चौथे घर में है, तो वो भी आपके घर में परिवर्तन ला सकता है। और एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई इतने दिनों में कि आपका शनि का ढैया चल रहा है, और कन्या राशि वाले बिना बात के, वजह या बेवजह जैसा मैं कहता हूँ, छोटी छोटी बातों में, यू नो, वैसे इसे कहते हैं हम कंटक शनि, कंटक नाम दिया गया उसके, इस ढैया को, कंटक मतलब कांटा, कांटे की तरह चुपता है, यानी छोटी छोटी बातें आपको बॉदर कर सकती हैं, और वैसे भी तो आपको आदत हो चुकी है। तो अब ऐसे में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो जितनी चीज़ों को इग्नोर करेंगे उतना सुखी रहेंगे। तुला राशि यानी लिब्रा, लिब्रेंस की शुरुआत करियर में एडवांसमेंट से हो रही है। करियर में जो भी आपका अभी तक का जो एम्बिशन था कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, और वो भी करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो आप सब कर गुजरेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और एक और बात, जैसे आपके जो राशि पे गुरु आया है, ये 12 साल में एक बार ऐसा होता है, तो इसे गुड प्लेसमेंट, दैट मीन्स ये वो चांस है, ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको अवेल करनी चाहिए। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर सिंगल डे, हर दिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना उसके ऊपर काम करेंगे, उतना ही सक्सेस आपको मिलने वाला है। तीसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि राहु केतु का जो ट्रांजिशन बना हुआ है, वो सुख और शांति, यानी उस पर थोड़ी सी यहाँ पर उथल पुथल मची हुई है। तो जितने भी तुला राशि के लोग हैं, उनके केंद्र में राहु केतु का ट्रांजिशन चल रहा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं मजा नहीं आ रहा है जिंदगी में, या वो हर बात पे वो नाराज़ हो गई या वो नाराज़ हो गए, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा वर्क करेंगे, यू नो, आप मूवीज देखने जाते हैं, शाहरुख खान बहुत पसंद है आपको, क्योंकि वो रोमांटिक हीरो है, तो घर में क्यों नहीं बनते आप शाहरुख खान, तो समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन। तो दोस्ती वाला माहौल बना के रखिए, वॉक पे जाइए, चाहे वो मॉर्निंग है या इवनिंग है, या कोई सरप्राइजेस दीजिए, तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड आइडिया। तो ये छोटी छोटी बातें आपकी ज़िंदगी में जो बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं नेगेटिवली, उस पर ज़रूर चेक रखेगी, एंड यू विल लीड अ बेटर लाइफ। सो प्लीज़ फॉलो माई एडवाइस। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए पहली बात, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर यू, यानी ये वो वक्त है जिसमें आप अपनी एनर्जीज को सही मायने में चैनलाइज करिए, बिकॉज यू माइट गेट लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, परिवर्तन होगा इन ए गुड वे, आप बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी, आपका हेयर स्टाइल से लेके आपके वार्डरोब पहनने का तरीका, आपकी पर्सनालिटी टोटली डिफरेंट हो जाएगी, लोग कहेंगे भाई तुम तो बदल गए, या भाभी जी जो भी है, तो दिस इज अ टाइम टू चेंज, तो वो चेंज आपके अंदर आएगा, एंड यू विल फील, यू विल लुक गुड, यू विल फील गुड, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इट इज़ ऑल इन योर माइंड। तो अगर आप अपने खुद के सिस्टम को पॉजिटिव बना के चलते हैं, बिकॉज अगर आपको खुद से मोहब्बत नहीं है, अगर आप खुद को नहीं चाहते, अगर आप आईने से बात नहीं करते, तो फिर कोई भी आपको नहीं चाहेगा। तो एवरीथिंग बिगिंस एट होम, एवरीथिंग इज इन योर माइंड, तो स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, आई बिलीव इन दैट। तो आप भी इस बात को फॉलो करिए। दूसरी बात मैं कह सकता हूँ कि दिस इज अ टाइम, कोई चीज़ अचानक भी मिल सकती है आपको, क्योंकि मर्क्यूरी आठवें घर का मालिक है, और आठवां घर सेकंड हाउस में जाता है, तो अनएक्सपेक्टेड गेंस भी देने की कोशिश करता है। तो हो सकता है कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो गई, या हो सकता है कि किसी कोई पैसे लेके गया था जो आपको लग रहा था कि अब तो नहीं मिलेंगे, वो वापस आ जाएगा। और कितनी बार ऐसा होता है कि रेट्रोग्रेड वक्री भूत के दौरान जो और जो किसी तरह का एग्रीमेंट या किसी तरह का कोई लेन देन होता है फाइनेंशियली, वो अटक जाता है। तो अगर पिछली बार वो हुआ था वक्री भूत के दौरान, अब आपको मिल जाएगा, तो वो एक्सपेक्ट करिए। और मुझे लगता है कि कुछ अचानक धन लाभ आपको होगा जरूर, आप बताइएगा जरूर। अब बारी है धनुराशि की यानी सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए खुशखबरी तो यह है कि जो भी आप चाह रहे हैं वही हो रहा है। उसकी वजह क्या है? जब आपका खुद का रूलर गोचर में, मैं तो गोचर हूँ, गोचर कहते हैं ट्रांसिट को, जो प्लैनेट जो मूव करते हैं, वो जब 11वें घर में आ जाता है, तो वो सबसे बढ़िया मोमेंट होता है, सबसे लाभदायक सिचुएशन होती है। तो आपका बृहस्पति 12 साल के बाद आपकी लाभ की राशि में आया है, आपकी खुद की राशि से। तो दिस इज़ अ टाइम कि आप जितने लाभ की कामना लेकर बैठे हैं, जितने भी एम्बिशन और एस्पिरेशन आपके अंदर थे इतने सालों से, उसके फुलफिल होने की पूरी पूरी संभावना है। अब दूसरा साइड क्या है? दूसरा साइड यह है कि शनि भी आपके चांद के ऊपर से जा रहा है। अब शनि जब भी चांद के ऊपर जाता है, उसे क्या कहते हैं? साढ़े साथी,
और वो भी साढ़े साथी का मिडिल वाला ढैया, जो विच इज सपोज टू बी द मोस्ट स्ट्रेसफुल टाइम। अब स्ट्रेस का नाम लेते ही इंसान खुद ही स्ट्रेस में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी धनु राशि के लोग हैं, पहली बात है कि धनु राशि का मालिक गुरु, और शनि और गुरु में कोई भी किसी भी तरह का मतभेद नहीं है। और इनफैक्ट ये वो राशि है जिसमें शनि का जब ट्रांजिशन आता है, आई हैव सीन मेनी टाइम्स, वो इंसान का औधा बढ़ जाता है, वो इंसान ज़िंदगी में और ज़िम्मेदार हो जाता है, वो इंसान ज़िंदगी में और आगे बढ़ जाता है। तो आपको कोई भी ज्योतिषी अगर कहे, या अगर आप खुद भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी सेल्फ डायग्नोसिस इज़ ऑलवेज डेंजरस, और आपको गूगल करके पता चल गया कि भाई मेरी साढ़े साथी चल रही है, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आपकी चीज़ों में बदलाव आएगा, और यही बदलाव आपकी ज़िंदगी के लेवल को चेंज कर देगा। तो मेरी बात पर भरोसा रखिए। तीसरी बात मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि कुछ फाइनेंसेस रिलेटेड चीज़ें पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सेविंग पे ध्यान दीजिए पहली बात, और दूसरी बात है कि अपनी वाइफ को जितने आप पैसे दे देंगे वो जमा कर लेगी, क्योंकि क्या है, शुक्र जो है वो वैभव है, वो संपत्ति है, वो लग्जरी है, वो कंफर्ट है, वो हैप्पीनेस है, वही वाइफ है, और वो भी आपकी वाइफ। तो जितनी आपकी वाइफ खुश रहेगी, जितना पैसा आप उसके थ्रू सिक्योर करना चाहते हैं, वही आपको जमा करा देगी और वही आपके काम आने वाला है, ये बात मेरी याद रखिएगा। बाकी कोई भी टेंशन नहीं है, आप भी मत लीजिए। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन के लिए लोग क्या कहेंगे, अगर ये भी आप सोचने लगेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, यू नो, तो मेरे ख्याल से आपको इससे थोड़ा सा हट के सोचना चाहिए, बिकॉज और भी गम है जमाने में, यू नो, इसके सिवा, और किसके सिवा, मोहब्बत के सिवा। और मोहब्बत क्यों मैंने वर्ड यूज किया, क्योंकि मोहब्बत का भी माहौल चल रहा है साहब। तो ऐसे में यू नो मैंने लिखा था कि मोहब्बत में वक्त लगता है साहब, मोहब्बत में वक्त लगता है साहब, बेवफाई तो यूं ही हो जाती है, और जीने में वक्त लगता है साहब, ज़िंदगी तो यूं ही गुजर जाती है। तो ऐसे ही होगा, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा तसल्ली रखना चाहिए, क्योंकि चीज़ें रुक रुक के हो रही हैं, ये आपको ख्याल रखना चाहिए। बाकी कहीं कोई टेंशन नहीं। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि मकर राशि वालों को गवर्नमेंट से फ़ायदा होने वाला है, यानी जो लोग उस गवर्नमेंट सेक्टर से या उस एरिया से जुड़े हुए हैं उनको इससे लाभ होगा। तीसरी बात मैंने कही थी ये भी कि आपको रियल स्टेट से रिलेटेड फ़ायदा होगा, अगर खुद का घर बनाना चाहते हैं उसका भी वक्त चल रहा है, टेंशन कहीं भी नहीं है, ओवरसीज़ का कनेक्ट भी आपका स्ट्रांग बना हुआ है। तो जो लोग चाह रहे थे इतने सालों से कि कब हम जाएंगे, यू नो, हमारे मामा जी कनाडा में बैठे हुए हैं, तो आई थिंक आपको वीज़ा लग जाएगा, एंड यू देर इज़ ए स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आप विदेश चले जाएँ। तो ऑल द बेस्ट। अगली राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस की शुरुआत अच्छी है, पॉजिटिव है, और कुंभ राशि की मैंने कितने दिनों से मैं तारीफ किए चला जा रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला था धनु राशि के लिए उनके 11वें घर में मालिक आ गया है, तो आपका मालिक शनि भी आपके 11वें घर में आ गया है। तो दिस इज अगेन ए ग्रेट थिंग टू हैव, यानी आने वाले 2.5 साल अगर शनि से किसी को फायदा होने वाला है वो कुंभ राशि है, ये बात मैंने पहले भी कही थी। तो इसके लिए यू शुड फील गुड अबाउट इट, बिकॉज अगर ये आपको पता चल गया कि मेरा अच्छा वक्त है, तो इंसान को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जब वक्त बुरा होता है तो मेहनत करने के बावजूद आपको फल नहीं मिलता, और जब वक्त अच्छा चल रहा होता है तो आप ना भी करें तब भी आपको कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर वक्त अच्छा चल रहा है तो इंसान अगर ज़्यादा मेहनत करे तो आपको वो भी मिल सकता है जिसकी कामना आपने भी नहीं की थी, और वही वाला वक्त आपका चल रहा है। तो आई थिंक यू शुड वर्क हार्ड टूवर्ड्स इट। तीसरी बात मैं आपसे बता सकता हूँ, दिस इज द टाइम जहाँ पर मेल मुलाकातों का सिलसिला चलेगा, मेल और फीमेल दोनों से बेसिकली, क्योंकि शुक्र आपके प्रोफेशनल हाउस में प्लेस्ड है। तो दिस इज अ टाइम देट कुड बी न्यू एसोसिएशन और न्यू एक्वेंटेंसेज माइट कम इन योर लाइफ, तो दैट गुड न्यूज़ एक्चुअली। तो ये अच्छी बात है, कोई भी थॉट आपको आता है, कोई सपना, किसी तरह की कोई थिंकिंग, अगर आप मेडिटेट करते हैं तो इट विल नेवर गो रॉन्ग। तो आप जितना साधना करें, विपासना करें, आराधना करें, तो आपका इंस्टिंक्ट जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं वो बढ़ जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, एंड देयर विल बी नो स्ट्रेस। आखिरी राशि हमारी मीन राशि यानी पाइसन। पाइसन की शुरुआत हो रही है लर्निंग के साथ, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर इंसान जिस दिन सोच ले कि आई नो एवरीथिंग, प्लीज डोंट टीच मी, आई नो एवरीथिंग, उस दिन से उसका जो ग्रोथ का जो ग्राफ है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। यू नो स्टीव जॉब ने कहा था, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश, यानी आपको अगर ये जिस दिन आपने समझ लिया कि भाई आई नो एवरीथिंग, यू आर गॉन, दैट इज द रीजन वी हैव 2 ईयर्स टू लिसन मोर। तो जितनी आप वो नॉलेज, वो एडवाइस, वो आसपास का माहौल, वो चीज़ों को इनपुट लेते हैं, इंकल्केट करते हैं, वो दोज आइडियाज, तो वो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती है, और जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो फुल प्रूफ होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दिस इज द टाइम
जहाँ पे चीज़ें आपको थोड़े से तसल्ली के साथ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यू नो, तसल्ली अगर किसी को मिल जाए तसल्ली देने से तो तसल्ली ज़रूर देनी चाहिए, मगर तसल्ली से, जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ, तो आपको भी थोड़ा सा तसल्ली के साथ चलना चाहिए। ये मुझे याद आ गया तो मैंने सुना दिया आपको, बट यहाँ पर मैं आपको ये भी सुनाना चाहता हूँ कि आपको किसी को सुनाने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि प्रोफेशनल हाउस में बुध है और बुध हमारे दोस्तों को भी रूल करता है और हमारे कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग को रूल करता है। तो नेटवर्किंग में कोई भी बात ग्रुप में या मास मेलिंग में या किसी भी तरह से आप यूज़ ना करें जिसका मतलब कुछ और निकाल लिया जाए। तो इफ़ यू कैन फॉलो दिस एडवाइस देन यू विल बी डन, लॉट ऑफ गेन्स एंड सपोर्ट विल कम थ्रू योर फादर। गुरु की कृपा, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी ए इवेंटफुल डे फॉर यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये तो बात हुई हमारी 12 राशियों की और आज के दिन की। आपको भी अगर जानना है कि कैसे अपनी जिंदगी को मॉडिफाई किया जाए, कैसे अपनी जिंदगी को और ब्यूटीफुल बनाया जाए, तो ये शो आप देखते रहिए इसी चैनल पर इसी वक्त। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए संदीप कोचर को इजाजत। नमस्कार।